हमीरपुर से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। महिला जज के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है वकील हारून पर। महिला जज ने यह आरोप लगाया है। महिला जज ने दर्ज कराया छड़कानी का केस। बांध पर टहलने के दौरान छेड़छाड़ का आरोप लगा है सदर कोतवाली में आरोपी पर। केस दर्ज किया गया है। महिला जज से छेड़छाड़ का आरोप लगा है वकील हारून पर। महिला जज ने आरोप लगाया है। महिला जज के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। विरोध करने पर भी बाज नहीं आया। लगातार कमेंट करने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। इवनिंग वॉक के दौरान पीछा करता था महिला जज पर, भद्दे भद्दे कमेंट करता था। महिला जज के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। विरोध करने पर भी बाज नहीं आया। देखिए, जो हमारे स्थानीय जुडिशल अधिकारी है उनके द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है और इसमें आरोप लगाया गया है कि एक वकील जो है उनको लगातार घूर रहा है और उनका पीछा कर रहा है। जब वो टहलने भी जा रहे हैं तब भी उनका पीछा कर रहा है। उनकी एप्लीकेशन प्राप्त होने पर तत्काल जो है अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं और इसमें जो है वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यहां पर महिला जज से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोप लगाया गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया है वकील हारून पर। महिला जज ने यह आरोप लगाया है। उमाशंकर मिश्रा बातचीत करने के लिए हमीरपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर। उमाशंकर, इस पूरी घटना में क्या निकलकर सामने आया और क्या कार्रवाई अब होने वाली है? देखिए, मैं मामला बता देना चाहता हूँ। आज जो एफआईआर लॉन्च हुई है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो न्याय की देवी है जिनको जुडिशियली कहते हैं वो शिकार हुई छेड़खानी का। सबसे बड़ी बात, जो सिविल जज हैं महिला, उन्होंने एक मुकदमा दर्ज कराया सदर कोतवाली में। एक वकील हैं हारून, मोहम्मद हारून, उनके खिलाफ उन्होंने आरोप लगाया है कि ये जब भी मैं बंधे टहलने जाती थी शाम को तो ये मेरे पीछे पीछे लगातार एक महीने से मुझे मेरा पीछा करते थे, मेरे साथ छेड़खानी छीकाकशी करते थे। इतनी बड़ी बात। उमाशंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए।